हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज सरकारी जॉब 24 एंड मित्रा में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस से न्यू भर्ती 2024 की शॉर्ट नोटिस के ऑफिशियल डेट्स के बारे में। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको यहां पर जीडीएस की आपको यहां पर न्यू नोटिस जारी कर दिया गया है, जो कि लगभग आपको यहाँ पर जो पोस्ट है रहने वाली है 35,000 प्लस आपको यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस शॉर्ट नोटिस में आपको यहाँ पर जारी किया गया कि आपकी जो फॉर्म है कब स्टार्ट होने वाली हैं, ऑफिशियल डेट आ चुकी है, जिसमें केवल आप यहां पर 10वीं पास कैंडिडेट हैं ऑल इंडिया से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं जैसा कि आप जानते ही होंगे। और इसमें आपको जो सिलेक्शन प्रोसेस आप जानते होंगे कि जिसमें आपको जो 10th की मार्कशीट होती हैं, 10th की क्वालिफिकेशन होती हैं, उसी के हिसाब से उसकी परसेंटेज के हिसाब से आपको सिलेक्शन दिया जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले कि जो आपका जो शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है इसमें क्या क्या मेंशन किया गया है उसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और आपकी जो फॉर्म है, जो डेट है उसमें मेंशन की गई है। ठीक है, तो आपकी जो फॉर्म है कब से स्टार्ट होने वाले हैं वो भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको इसमें जो वैकेंसी की क्वालिफिकेशन डिटेल्स हैं वो भी देने वाला हूँ। तो वीडियो को कम्प्लीट देख लेना, और जो भी चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें, जिससे आपको जीडीएस की जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आती हैं वो आपको लगातार मिलती रहेगी। तो आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि यहाँ पर देखते हैं डाक भवन स्टैंडर्ड मार्ग न्यू दिल्ली 25/6/2024 की डेट में यहाँ पर जारी किया गया है। ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पर जनरली इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल July 2024 में आपको यहाँ पर रहने वाली हैं, जो कि आपको यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन जारी होगा July 2024 में। ठीक है, तो जैसे आपको नोटिफिकेशन रिलीज होता हो जाता है तो उसका नोटिफिकेशन मैं आपको बता दूंगा, जिसमें आपको यहाँ पर बताया गया कि आपकी जो टेंटेटिव जो डिटेक्टिव नोटिफिकेशन की जो वैकेंसीज हैं जीडीएस की, ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पर शेड्यूल रखा है कि जुलाई में आपको यहाँ पर जो सेकेंड वीक होता है July 2024 का, उसमें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी आपको वेबसाइट पर देखने को मिलेगा, जो कि जीडीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर होगा। और इसका जो शेड्यूल है वो आपको यहाँ पर दिया गया है कि आपका जो डाटा एंट्री लीजिंग वैकेंसीज बाय डिवीजन, यानी कि डिवीजन वाइज आपकी जो वैकेंसी का जो है बंटवारा है, ठीक है, कैटेगरी वाइज है, वो आपको यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिटेल्स अपडेट कर दी जाएगी, जो कि 1/7/2024 से लेकर 6/7/2024 तक। ठीक है, और इसके बाद रिचेसिंग डाटा एंट्री, यानी कि आपकी जो वैकेंसीज डिवीजन जारी की जाएगी उसको यहाँ पर दोबारा चेकिंग किया जाएगा, उसकी डेट है 8/7/2024। इसके बाद आपको यहाँ पर जो सर्किल वाइज जो वैकेंसीज खाली रहेगी उसका जो अप्रूवल है उसको मिल जाएगा 9/7/2024 से लेकर 10/7/2024 तक। और इसके बाद फाइनली रूप से आपका जो ऑनलाइन नोटिफिकेशन है, यानी कि आपकी जो नोटिफिकेशन है और साथ ही साथ आपकी जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगी 15/7/2024 तक। यानी कि आपको यहाँ पर 15 जुलाई 2024 को आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन और साथ ही साथ आपकी जो फॉर्म है वो भी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो एक्चुअल आपकी जो इनपुट्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट्स यही कि आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए यही है कि आपकी जो फॉर्म है 15 जुलाई 2024 से स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो इस शेड्यूल आपको यहाँ पर दिया गया है और ये शेड्यूल आपको कम्प्लीट हो जाएगा जो पुरानी वैकेंसीज यहाँ पर जारी की गई थी, जो कि शेड्यूल सेकेंड है July 2024 का। ठीक है, तो उसमें कुछ वैकेंट कैंडिडेट हैं उसमें जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवा पाए हैं, तो उनकी सीटें खाली रह चुकी हैं, तो उनकी सीटों को भी आपको इसी वैकेंसी में इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो पोस्ट है उसकी डिटेल्स तो नहीं दी गई है, तो लगभग आपको यहाँ पर जो पोस्ट हैं 35,000 के सम 30,000 या 35,000 के समथिंग आपको पोस्ट देखने को मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो इसमें जो कि आपकी मेनली जो क्वालिफिकेशन होती हैं, मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कि 10वीं पास होती हैं 10वीं, और इसमें आपको जो सिलेक्शन होता है जो 10वीं की आपकी जो भी परसेंटेज होती है उसके बेसिस पर होता है, जो कि आप पुरानी वैकेंसी का यदि आपको सिलेक्शन देखेंगे तो इसमें आपको यहाँ पर 85 से लेकर आपको यहाँ पर अबो यानी कि 100 तक का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, यानी कि कम से कम यदि आपकी 85% है 10वीं में तो आप इसको फॉर्म के लिए अप्लाई जरूर कीजिएगा। और यदि आप यहाँ पर ST ठीक है ST या फिर SC और यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट है, ठीक है, ST SC या फिर फीमेल कैंडिडेट है तो फॉर्म के लिए अप्लाई जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपकी जो 100 रुपये फीस लगती हैं वो आपकी इसमें नहीं लगती हैं इस कैटेगरी के लिए। यदि आप OBC ठीक है OBC और यहाँ पर जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपकी 100 रुपये फीस लगती हैं, तो यदि आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी कितनी परसेंटेज है फॉर्म के लिए अप्लाई जरूर कीजिएगा। ठीक है, और OBC वाले कैंडिडेट के लिए 100 रुपये फीस रखी गई हैं। अब बात करते हैं कि इसमें एज क्या रखी गई है,
तो एज आपको यहाँ पर होती है 18 से लेकर 40 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज में भी आपको यहाँ पर छूट देखने को मिलता है, जैसे कि SC ST को 10 साल की छूट देखने को मिलेगी, OBC को 5 साल की है, और अदर कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं उनको भी आपको छूट देखने को मिल जाती है। जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि जो एक्चुअली आपकी जो है एक्स्ट्रा को भी अपडेट यहाँ पर दी गई हैं, को भी चेंजेस होंगी, तो उसकी भी जानकारी मैं आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से उपलब्ध करवाऊंगा। फिलहाल आज की स्टूडियो में आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यही देनी थी कि जो आपके फॉर्म है GDS के इंडिया पोस्ट ऑफिस में GDS के जो ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती होती है उसके जो फॉर्म है 15 जुलाई 2024 से स्टार्ट होने वाले हैं, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, ये एक्चुअल डेट है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यही जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स लगातार मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।